सिर्फ मैं आपको कुछ सुनवाना चाह रहा हूँ बेटा। आप लोगों ने किस तरह खाना खाते थे? एक ही हफ्ता नहीं खाते थे। और अब्बू कहाँ से खाना लाते थे? जब लाते थे जेडीसी से। सिर्फ सुनवाने का मकसद ये है कि एक बड़े टीवी चैनल पे काम करने वाला शख्स, जब उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसके बाद वो रक्षा चलाता था। उसने अपनी इज्जत, रेपुटेशन, अपनी तालीम कुछ नहीं देखा, उसने रक्षा चलाया। 10 साल पुराना रक्षा उसको मिला, जो सोराबगुड़ पे जेडीसी दस्तरखान लगा है उसके बराबर में इनका घर है। ये वहां से खाना लेकर आते थे। उसके बाद भी इनकी बेवा का कहना है, हमारे घर में अक्सर फाखे होते थे। मर गया, मैं उनकी मिसेज से पूछता हूं, बहन कितने के मखरूज थे आपके शौहर? 70,000 रुपए का मखरूज था वो शख्स। 70,000 के पीछे ये वो रुपट्टा है जिसमें उसने खुदकुशी की, ये वो कैंची है जिससे पुलिस ने आगे इस रुपट्टे को काटा, लाश उतारी। सिर्फ इतनी सी दरखास्त है देखने वाले तमाम लोगों से कि भाई लोग मुसीबत में हैं, मेरी बात को समझें। आपने आटा 3 गुना महंगा कर दिया, आपने चीनी 3 गुना महंगी कर दी, एक गरीब आदमी का बजट नहीं बन पा रहा, पेट्रोल 3 गुना महंगा, लोग कैसे जिंदा रहेंगे? इसका क्या बनेगा इन मासूम बच्चों का? मैं इतना ही कर सकता हूं अपने इदारे की तरफ से। ये तो मर गया बंदा, काश ये बंदा मुझसे मिल लेता या किसी से मिल लेता, हम जो हो सकता करते, लेकिन लोड हम पे भी बहुत ज्यादा है। मैं इनका हर महीने का किराया और इनके बच्चों की फीस और राशन की जिम्मेदारी ले लेता हूं, लेकिन कितने लोग टेंशन में, खुदा के वास्ते कोई ये वीडियोस पहुंचाए हुक्मरानों तक। आपके बच्चे इस वक्त गर्म कंबल लिहाफ ओढ़ के सो रहे होंगे, इनका बाप मुर्दा खाने में, सुबह उसका जनाजा दफन होगा। ये साफी है जिन्होंने दफनाने के पैसे लाके दिए, कितने पैसे दिए? 30,000 एक रिपोर्टर ने जो है वो करके दिए। अगर किसी को रहम आ जाए तो इस रब्ता कर ले, मुसीबत में लोग, खुदा के वास्ते कोई जो इस बात पे सोचे, इन बच्चों का क्या कसूर था कि बाप बेरोजगार था, नौकरी ढूंढता रहा रोडों से फुटपाथों में लगे हुए दस्तरखानों से खाना लाके खाता रहा, इंतहा जब हो गई